हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर जेनिक्स, दिस इज विकास। चलिए एक कप कॉफ़ी हो जाए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, अक्सर ज़्यादातर लोग इसको पीते हैं और बड़ा ही स्वाद लेके पीते हैं। तो आज हम कॉफ़ी पे ही बातचीत करेंगे, इसके हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से हमारी मदद करता है वर्कआउट के टाइम पे या हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें, इसके साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो क्या हो सकते हैं, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। कॉफ़ी मतलब कैफीन, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुई है और बहुत लंबे समय से लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, एक कप कॉफ़ी हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर हमें 100 मिलीग्राम कैफीन मिलता है। अब ये बहुत ज़्यादा मदद करता है ड्यूरिंग वर्कआउट, मतलब कौन से ऐसे वर्कआउट हो सकते हैं, साइकिलिंग हो गया या फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया, इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, स्विमिंग वगैरह है, सभी में ये मदद करता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, थोड़ा सा हमें फास्ट फॉरवर्ड भी करता है। तो ये सब कैसे कर रही है कैफीन? तो देखिए, कैफीन जो है एक तरह से हमारे न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। उससे क्या होता है, हमें काम करने अच्छा लगता है, उस एक एनर्जी सी फील होती है हमारे न्यूरॉन्स को जब एक्टिवेशन मिलता है। उसके साथ साथ ये हमारी ब्लड सेल्स को, जो हमारा ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज़ करता है, तो हमें थकान भी इतनी जल्दी से नहीं होती है। और काफ़ी स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि कई लोगों को जो अल्जाइमर की बीमारी है उसमें इससे हेल्प मिलती है कैफीन से। इसके साथ साथ अभी एक रिसेंट स्टडी हुई थी, जिन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है उसमें भी ये मदद करता है उसको ख़त्म करने के लिए। अब इसके सबसे ज़्यादा फायदे जो देखने को मिले हैं वो मिले हैं वर्कआउट के टाइम पे। मतलब कि अगर आपको वर्कआउट करने से पहले कैफीन कंज्यूम करना है तो आप 30 मिनट या एक घंटा पहले इसको कंज्यूम करें, इसके मैक्सिमम बेनिफिट आते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप कैफीन को किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स करके लेते हैं तो उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी वर्कआउट से पहले पीते हो और उसके और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं तो उसमें आप हल्का सा शुगर मिक्स कर सकते हैं, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मात्रा में इसको कंज्यूम करना है तो आप कॉफ़ी की बजाय प्री वर्कआउट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो एथलीट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कितने सारे फायदे हैं जिससे हमें कैफीन को कंज्यूम करने से मिलते हैं। अब देखिए, अब जैसे मैंने बात की कि एक कप के अंदर 100 मिलीग्राम कैफीन होता है, तो पर डे की जो उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो मैक्सिमम 600 मिलीग्राम तक है। मतलब आप पूरे दिन में 6 कप कॉफ़ी के कंज्यूम कर सकते हो। अब ये तो मैक्सिमम लिमिट है, तो वहाँ तक जाने क्यों है, तो हम इसको रखते हैं 4 कप। मतलब कि अगर आप 4 कप कॉफ़ी पी रहे हो तो वो ठीक है आपके लिए, इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अब इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी ना आदत पड़ जाती है, तो इसके बिना काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह का एडिक्शन भी है, तो एक तो हमें एडिक्शन से बचना है। अब इससे जो प्रॉब्लम आ सकती है वो क्या क्या आ सकती हैं? एक तो आपको ये स्लिपिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर आप सोने से 2-3 घंटे पहले भी कॉफ़ी पी रहे हो या कैफीन ले रहे हो तो ये आपकी स्लिपिंग को डिस्टर्ब करता है। तो मतलब अगर आपको कॉफ़ी लेनी है तो आप ऐसे टाइम पे ले जहाँ पे आपके सोने में डिस्टेंस है। मतलब कि एक कप कॉफ़ी अगर आप ले रहे हो तो 6 घंटे का गैप होना चाहिए, स्लीपिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने रेगुलर कॉफ़ी को कंज्यूम कर रहे हो तो आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा ब्रेक दे दूँ, छोड़ देता हूँ, तो इससे आपको रिबाउंड हेडेक, मतलब कि एक तरह का सर दर्द है। जो लोग इसके एडिक्टेड हैं उनको पता होगा कि अगर आप एकदम से कैफीन को बंद कर देते हो तो सर में दर्द होने लगता है, उसको बोलते हैं हम रीबाउंड हेडेक। अभी एक रिसेंट स्टडी में ये भी पाया कि एक तरह का ड्यूरेटिक है। मतलब ड्यूरेटिक कि अगर आप ज़्यादा कैफीन कंज्यूम कर रहे हो या फिर अभी आपने रिसेंटली लेना स्टार्ट किया है तो आपको ऐसा लगा कि टॉयलेट बार बार जाना पड़ रहा है, तो उससे घबराने की दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसे जैसे आप डेली इसको कंज्यूम करते रहोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा जब आप ज़्यादा कैफीन कंज्यूम करते हो तो आपके ब्लड, जो आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी इंक्रीज़ करता है। तो आपको इसको एक सर्टन लिमिट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैक्सिमम लिमिट इसकी 600 मिलीग्राम है, तो उसके अंदर ही इसको कंज्यूम करना है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे मैंने अभी बताया किस किस बीमारियों से ये बचाता है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो पर कमेंट करें, जिससे हम वहाँ से आपके लिए और नई वीडियो बना सके, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखें।